अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम पैटर्न इन शेप्स कर रहे थे, हमने डिफरेंट पैटर्न्स को देखा था और मैंने आपको बताया था पैटर्न क्या होते हैं। पैटर्न जो कि किसी भी चीज़ को दोबारा से इटसेल्फ को रिपीट कर रहे होते हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पैटर्न्स कहाँ पे दिखाई मिलते हैं, और ये पैटर्न्स आपको अपने कपड़ों में, अपनी बेडशीट्स में, टाइल्स में, मार्बल्स में और डिफरेंट डिज़ाइंस मिल रही होती हैं। लेकिन ये डिज़ाइंस अगर आप गौर करेंगे तो सारी डिफरेंट नहीं होती, एक मखसूस पैटर्न के बाद फिर वो सेम एंड सेम एंड सेम चलती रहती हैं, और इस सेम काम को कहते हैं सिमेट्री। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी और आज आपको रिव्यू करवा दी। इसी के साथ हम पेज नंबर 19 पे आते हैं। बुक पेज नंबर 19 पे आपको आना है और शेप्स को, पैटर्न्स को और सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। नंबर हमारे पास, ड्रॉ द शेप टू कंप्लीट द पैटर्न। ठीक है, हमें शेप बनाना है जो कि मिसिंग शेप है पैटर्न कंप्लीट करने के लिए। और पैटर्न कंप्लीट करने के लिए हमें पैटर्न को पहले नोट करना होगा कि पैटर्न किस तरह से चल रहा है। ठीक है, सबसे पहला शेप पेंटागॉन का है। 5 हमारे पास जो साइड्स है ना, वो पेंटागॉन कहलाता है। ये पेंटागॉन है पहला, फिर दूसरा भी पेंटागॉन है, तीसरा फिर हमारे पास स्क्वायर है और एक ब्लैंक है। अभी ब्लैंक को फिल नहीं करते, आगे पैटर्न को नोट कर लेते हैं कि ये पैटर्न कैसा चल रहा है। फिर हमारे पास पेंटागॉन है, फिर पेंटागॉन है, देन फिर हमारे पास स्क्वायर है एंड स्क्वायर है। तो हमारे पास दो पेंटागॉन के बाद दो स्क्वायर हैं। ठीक है, जब हम पहले पेंटागॉन को देख रहे थे तो हम पैटर्न को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे कि हमारे पास ब्लैंक में पेंटागॉन आ जाता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें पहले नोट डाउन करना है कि ये पैटर्न किस तरह से चल रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा आपको पहले हम ब्लैंक को सॉल्व नहीं करेंगे, मिसिंग को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम आगे भी देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है। तो हमें मालूम हो गया कि दो पेंटागॉन के बाद दो स्क्वायर हैं। तो हमारे पास ब्लैंक में एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर हमें खुद से बनाना है। ठीक है, शार्प पेंसिल से आप इसमें स्क्वायर बना लें और ये पैटर्न हो गया इस तरह से कंप्लीट। कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास जो शेप्स हैं, बी नंबर पे कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। 4 लाइंस, डिफरेंट लाइंस हैं जिससे एक शेप बनाया है, क्योंकि साइज़ में इक्वल नहीं है तो वो कोऑर्डिनेटर कहलाता है। एक कोऑर्डिनेटर है, देन अ सर्कल है, देन अ क्वाड्रिलेटर है, देन अ ब्लैंक है। ठीक है, इस ब्लैंक में फिल करने से पहले हम आगे चलेंगे, पैटर्न को दोबारा से आगे देखेंगे। फिर क्वाड्रिलेटर है, फिर सर्कल है, फिर क्वाड्रिलेटर है। यानी कि हमें पता लग गया एक क्वाड्रिलेटर के बाद हमारे पास एक सर्कल आ रहा है, फिर क्वाड्रिलेटर के बाद एक सर्कल आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसको समझते हैं पैटर्न को, देन हम उस मिसिंग को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा? यस स्टूडेंट्स, यू कैन गेट, आपको समझ आ गया है कि इसमें आएगा सर्कल। गुड। और सेकंड क्वाड्रिलेटर आया, फिर सर्कल आया, फिर सर्कल के बाद क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल आएगा। ठीक है, अपनी शार्प पेंसिल से शेप्स बनाते जाएं और मेरे साथ काम अपना फिनिश करते जाएं। ठीक है, गुड। कम टू द नेक्स्ट, इट्स सी पार्ट। हे, हियर इज अ स्टार, स्टार then a square, then blank, leave this blank, पहले हम देखते हैं पैटर्न को, then a star, then a square and then a triangle. So हम अपनी पैटर्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे? हमें आगे बताया गया है कि स्क्वायर के बाद क्या आना है, इट्स अ ट्राइंगल। हमें हमारा पैटर्न क्या था? स्टार, स्क्वायर, देन अ ट्राइंगल। मिसिंग नंबर, मिसिंग डैश में क्या आएगा? ब्लैंक में इट्स अ रेक्ट्राइंगल। ठीक है, डन, क्लियर। ये क्या है? ये शेप्स का पैटर्न है और डिफरेंट शेप्स के पैटर्न हम खुद से भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज, नीचे हमारे पास क्या है? क्रिएट अ पैटर्न यूजिंग द गिवन शेप्स। शेप्स दिए हुए हैं कौन कौन से? इट्स अ ट्राइंगल, इट्स अ रेक्टेंगल एंड अ स्टार। तीन डिफरेंट शेप दिए हुए हैं और तीन डिफरेंट शेप से हमें एक पैटर्न बनाना है।
कोई चीज़ दो बार यूज़ होगी, कोई चीज़ एक बार होगी, कोई चीज़ दो तीन बार यूज़ होने के बाद आएगी। जैसे सपोज हम ऐसे बना सकते हैं कि एक ट्राइंगल, दो स्टार, फिर एक रेक्टेंगल, फिर एक ट्राइंगल, दो स्टार, फिर एक रेक्टेंगल, यानी कि इस तरह से भी पैटर्न बन सकता है। इस तरह से भी पैटर्न बन सकता है, पहले स्टार, फिर ट्राइंगल, फिर रेक्टेंगल। इसको बहुत तरह से बना सकते हैं, बहुत डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। हमारे पास नीचे बॉक्सेस हैं जिसमें आपको शेप्स डालने हैं और बनाना है, और इसके अलावा भी अपनी नोटबुक में या एक रफ़ पेज पे आप डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप्स, ठीक है। और वो डिज़ाइन क्या है, वो पैटर्न्स कहलाएंगे। जब वो सिमिलर सिमेट्री यूज़ होंगे, सिमिलर यूज़ होंगे, तो वो पैटर्न कहलाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे जो पैटर्न बनाना है गिवन शेप से, वो आप ख़ुद बनाएंगे अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस का खूबसूरत सा, और उसमें कलर करेंगे। और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको बताएंगे कि आपने शेप्स पैटर्न सीखा है आज और पेज नंबर 19 को कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हम फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।